T20 मैच यूपी वॉरियर्स और गुजरात जाइंट्स के बीच में दोस्तों 7:30 बजे फ्राइडे को 1 मार्च पे खेले जाने वाला है। और अभी तक इस सीजन पे वुमेन आईपीएल के जितने भी मैच खेले हैं ना दोस्तों, सारे वन साइडेड विन किए हैं। और अगर आप लोग इस मैच को भी वन साइडेड विन करना चाहते हो, साथ ही साथ मेगा ग्रैंड लीग के लिए भी एक बेहतरीन टीम बनाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, प्लेयर के रीसेंट फॉर्म से लेकर उनके मैचअप्स तक। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की, तो यूपी वॉरियर अभी तक 3 मैचेस खेल चुकी है दोस्तों इस सीजन पे, जिसमें से कि सिर्फ 1 मैच उन्होंने विन किया है। वहीं अभी तक गुजरात जायंट्स का खाता भी नहीं खुला है, 2 मैच खेले हैं गुजरात जायंट्स ने और अपने दोनों मैच हार कर आ रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग अब मैचेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब हर टीम पर प्रेशर रहेगा कि मैच तो जीतना ही है। तो बहुत कॉम्पिटिटिव मैच आप लोगों को दिखेगा, और ऐसे मैच पे अगर आप लोग अपने लिए फैंटेसी की एक बेहतरीन टीम बनाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं चिन्नस्वामी स्टेडियम पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। देखो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूं चिन्नस्वामी स्टेडियम के बारे में कि यहां पर आप लोगों को, जितने भी भाई लोग नए हैं उनके लिए, यहां पर आप लोगों को 2 ट्रैक मिलेंगे, क्लियर। एक ट्रैक जो ये वाला ट्रैक है दोस्तों, जिसे मैं ट्रैक 1 बोलू या पिच 1 बोलू, ये क्या है, ये बहुत ही बैट्समैन फ्रेंडली पिच है। ये वाला मैच इसी ट्रैक पे हुआ था, P1 पे ही हुआ था, क्लियर। देखो हाई स्कोरिंग सा मैच रहा था ना, जबकि जो ये P2 है ना, जो पिच सेकंड है, ये पिच यहां पर लो स्कोरिंग मैच कराता है। इस वाले मैच को देखो, लो स्कोरिंग मैच, इस वाले मैच को देखो, लो स्कोरिंग मैच, ये दोनों यहां P2 पे हुए थे। अब अभी के टाइम पे मैं बता नहीं सकता सीरियसली कि मैच P1 पे होगा या P2 पे होगा, क्लियर। बट एक बात ध्यान रखिएगा, P1 पे अगर मैच होता है तो हाई स्कोरिंग मैच रहता है अभी तक की हिस्ट्री के हिसाब से, P2 पे मैच होता है तो उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं जा रहा है। बाकी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो क्योंकि अब दोनों पिच बहुत बार यूज हो चुके हैं, ठीक है, तो दोनों पिच पे स्पिन को आप लोगों को एडवांटेज दिख रहा होगा, ठीक है ना, दोनों पिचेस पे स्पिन को एडवांटेज है। यहां देखो जो 9 विकेट गिरे हैं उसमें 5 विकेट स्पिनर को थे, यहां पर तो जो 9 विकेट गिरे थे उसमें 6 विकेट स्पिनर को थे, यहां पर देखोगे 10 विकेट गिरे उसमें 4 और 1 5 विकेट स्पिनर को था। मतलब अब धीरे धीरे पिच पे स्पिन डोमिनेट करना स्टार्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेम पिचेस बार बार यूज हो रही है, बार बार यूज हो रही है, तो क्या होती है, वियर एंड टियर हर जगह आ जाता है, ठीक है ना। तो रफ पैचेस होते हैं, तो रफ पैचेस जहां पर बनने स्टार्ट होते हैं वहां पर स्पिन डोमिनेट करना शुरू करता है। बाकी इन दोनों में से कौन से पिच पे ये मैच होगा ये मैं आप लोगों को लाइव बता दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करोगे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक बार मुझे पता चलेगा ना कौन से पिच पे ये मैच होने वाला है, मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, और बाकी अपडेटेड मेरी पर्सनल फाइनल टीम भी आप लोगों को कहां पर मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है। तो जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो यार, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन करना है आप लोगों ने। और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पक्का से दबाना है ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है,
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिए, अभी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। बात करूं दोस्तों यहां पर यूपी वॉरियर्स की टीम की, तो यूपी वॉरियर्स की टीम पे एलिसा हेली और किरण नवगिरी ओपन करने आती है। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे तालिया मैग्रात आएगी, उसके बाद ग्रेस हैरिस आती है, उसके बाद लास्ट मैच में दीप्ति शर्मा आई थी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को वृंदा दिनेश दिखेंगी, श्वेता शरावत दिखेंगी, पूनम खेमनार दिखेंगी और बॉलिंग वाले सेक्शन पे सोफिया एक्लिस्टन, अंजलि सरवनी और राजेश्वरी गायकोड खेलते हुए दिखेंगी। वही बात करूं दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम की, तो यहां पर बेथ मुनी और हरलीन दियोर आप लोगों को ओपन करते हुए दिखती है। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे फॉप लिचफील्ड खेलने आती है, उसके बाद वेदा कृष्णमूर्ति खेलने आएगी, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एशले गार्डनर खेलते हुए दिखेगी, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को दयालन हेमलता दिखेंगी, कैथरीन ब्राइस दिखेगी, स्नेह राणा दिखेगी, तनुजा कन्वर दिखेगी और ली ताहू और मेघना सिंह आप लोगों को खेलते हुए दिखेगी। ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट्स। सबसे पहले दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के रीसेंट स्टैट्स को समझते हैं और अभी तक वुमेन आईपीएल पे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है उसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेगा ग्रैंड लीग का एक प्रो टिप जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। मेगा ग्रैंड लीग खेलने वाले पक्का से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां देखो मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने इन सारे 22 प्लेयर्स को सेक्शन पे डिवाइड कर दिया है, तीन सेक्शन पे। हाई सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर जिन्हें मोस्टली हर कोई लेकर चल रहा होगा, मीडियम सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर जिसे ओके लोग लेकर चल रहे होंगे, और लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर जिन्हें टीम पर कोई नहीं लेकर चल रहा है। मेगा ग्रैंड लीग के लिए आप लोगों को इन तीन बास्केट में से प्लेयर को चूज करना है, तभी एक मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनेगी। अब कैसे चूज करना है वो डाउट रहता है, वो हम स्टैट्स को देखकर करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पर आप लोग इस बात को पक्का से लिख के रखो कि कौन कौन से हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है आपके पास। हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे आप लोगों को एलिसा हेली, ग्रेस हैरिस, तालिया नागरा, दीप्ति शर्मा और सोफिया एक्लिस्टन दिखेंगे। और गुजरात वुमेन्स के टीम पे आप लोगों को बेथ मुनी, एशले गार्डनर, कैथरीन ब्राइस और तनुजा कन्वर दिखेंगे। ये आप लोगों के हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर हैं। टोटल यहां पर 9 प्लेयर्स आप लोगों को दिख रहे हैं जो कि हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है, मोस्टली सभी लोग इन्हें लेना पसंद करते हैं। मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को श्वेता शरावत और राजेश्वरी गायकवाड़ दिखती है। वही गुजरात जायंट्स के टीम पे आप लोगों को फॉब लिचफील्ड, हरलीन दियोर और ली ताहू दिखेगी। लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर मतलब जिन्हें कोई नहीं लेकर जा रहा है, वृंदा दिनेश, किरण नवगिरी, पूनम खेमनार, अंजलि सरवनी। और गुजरात जायंट्स के टीम पे वेदा कृष्णमूर्ति, दयालन हेमलता, स्नेहा राणा और मेघना सिंह। यहां पर जैसे स्नेहा राणा काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, दयालन हेमलता भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। किरण नवगिरी ने तो लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म भी किया था, ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अब यहां से सिलेक्शन कैसे करना है, यहां देखो यहां पर आप लोगों के पास ये 9 प्लेयर है। इन 9 प्लेयर में से दोस्तों आप लोगों ने अपने टीम पर 6 से 7 प्लेयर रखना है। 1 2 3 4 5 ये 5 प्लेयर है। इन 5 प्लेयर में से दोस्तों आप लोग अपने टीम पे 2 प्लेयर को लेकर चलोगे और बाकी जो बचते हैं आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये 8 प्लेयर है ना, इसमें से आप लोगों ने अगर 6 और 2 लेकर चलते हो, 6 के साथ आप लोग यहां पर ऐसा करना 3 लेकर चलना, 7 लोगे तो 2 लोगे, और इन 8 प्लेयर में से आप लोगों ने अपने पास 2 प्लेयर रहना है, तो टोटल आप लोगों के पास 11 प्लेयर्स बनेंगे जिसमें कि लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर होंगे, मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर होंगे और हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर होंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक परफेक्ट मेगा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बनाकर दे देगी। यहीं से बनाना है मेगा ग्रैंड। अब स्टैट्स समझ लो ताकि मेगा ग्रैंड लीग बनाते वक्त प्रॉब्लम ना हो, ध्यान से सुनो।
स्टार्ट करते हैं यूपी वॉरियर्स की टीम रीसेंट स्टैट्स को समझो। यूपी वॉरियर्स 3 मैच खेल चुकी है। एलिसा हेली को देखोगे तो पहले मैच में 5 रन फिर 13 रन फिर 33 रन। बाकी वुमेन आईपीएल पे 12 मैच में 30 का इनका एवरेज है। बेस्ट स्कोर 96 का है। किरण नवगिरी की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में 1 रन फिर 10 रन फिर लास्ट मैच में ताबड़तोड़ 57 रन। बाकी वुमेन आईपीएल पे 12 मैच पे 19 का एवरेज है और 57 इनका हाई स्कोर है। कम चलती है, लास्ट मैच पे चली है तो ये मत सोचना इस मैच में भी चलेगी और यही पंट प्लेयर बनेगी, चांसेस कम है, इस बात को ध्यान रखना। तालिया मैग्रा सुपर इंपॉर्टेंट प्लेयर, 3 मैच का परफॉर्मेंस देखोगे तो 22 रन 1 विकेट 1 रन 0 विकेट 1 रन बिना बॉलिंग। मतलब ये यहां पर भी फ्लॉप थी, ये यहां पर भी फ्लॉप थी। और अगर सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूं तो हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है, लेकिन क्या देखोगे ना 2 मैच में फ्लॉप चल रही है ना, हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर। ओवरऑल 12 मैच में 50 का एवरेज है, 3 विकेट भी इनके पास। अब क्योंकि 2 मैच से चली हुई है तो क्या होता है, इस मैच पे चलने के चांसेस अप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोफेशनल प्लेयर्स है ना, जो कि मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि तालिया मैग्रा T20 फॉर्मेट की नंबर 1 प्लेयर है बैटिंग के सेक्शन पे, तो ये अगर 2 मैच में फ्लॉप करते हैं ना तो 3रे मैच पे इन जनरल अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रेस हैरिस की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 38 रन 17 रन 38 रन। बाकी 9 मैच में 57 का एवरेज है, 72 इनका हाई स्कोर है। अब ग्रेस हैरिस दोस्तों बॉलिंग भी करती है, लास्ट मैच में पूरे 4 ओवर करे थे 1 विकेट निकाले थे, पहले मैच में जी भी 4 ओवर करके 2 विकेट निकाले थे, तो ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है, ठीक है, इस बात को नोट डाउन करके रखना, होना चाहिए ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, बट दिखती है आप लोगों को बैटिंग वाले सेक्शन पे। दीप्ति शर्मा 13 रन 1 विकेट फिर 5 रन 0 यहां फ्लॉप रही थी, फिर 27 रन 1 विकेट फिर यहां पर परफॉर्मेंस सही था, 12 मैच में 12 का एवरेज है और 11 विकेट है इनके पास। देखो हर ये भी तो हमेशा से हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर रही है, ये भी तो यहां पर फ्लॉप रही है, बट ग्रेस हैरिस अभी तक 1, 2, 3 मैच में से किसी में भी फ्लॉप नहीं रही है, और इस मैच में ग्रेस हैरिस एज अ कैप्टन 38% लोग लेकर चल रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, तो इसके भी फ्लॉप होने के चांसेस बनते हैं, क्लियर। तो ऐसे प्लेयर्स आप लोगों ने पिक करने हैं हाई सिलेक्शन में से, जिन्हें आप लोगों ने टीम से निकालकर बाहर करना है। आपने बात करूं वृंदा दिनेश की तो 18-0 बैटिंग नहीं, बाकी 3 मैच में 9 का इनका एवरेज है। श्वेता शरावत की अगर मैं बात करूं तो 31-45 फिर बैटिंग नहीं, बाकी 10 मैच में 14 का इनका एवरेज है, 45 इनका हाई स्कोर है। पूनम खेमनार की अगर मैं बात करूं 14 रन बॉलिंग नहीं, 10 रन बॉलिंग बैटिंग दोनों नहीं, तो 3 मैच में 14 का एवरेज है, 0 विकेट है। सोफिया क्लिस्टन 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, जबकि एक्सपेक्टेशन क्या है, सोफिया क्लिस्टन से एक्सपेक्टेशन होता है कि कम से कम 2 विकेट तो लेगी, काफी टाइम से नहीं चली है, 3 मैच हो गए हैं, नोट डाउन कीजिएगा, स्पिन को एडवांटेज आ रहा है पिच पे, जिस दिन करेगी ना बॉलिंग 4 विकेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सोफिया क्लिस्टन के लिए, ध्यान दीजिएगा इन पे। अंजलि सरवानी बाकी 1 मैच खेला जिसपे 10 मैच में 5 विकेट निकाले थे, 1 विकेट निकाले इन्होंने लास्ट मैच पे। राजेश्वरी गायकवाड़ की मैं बात करूं तो 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, बाकी 11 मैच में 11 विकेट है इनके पास। क्लियर क्लियर हो गए इनके रीसेंट फॉर्म क्लियर हो गए। अब गुजरात जायंट्स के देखो रीसेंट स्टैट्स को। बैट मुनी को देखोगे तो गुजरात जायंट्स वाले 2 ही मैच खेलकर आ रहे हैं, ठीक है ना, यूपी वाले 3 मैच खेल चुके हैं, 24 रन और 8 रन, बाकी 3 मैच में 24 का इनका एवरेज है, क्लियर। हरलीन दियोल की अगर मैं बात करूं तो हरलीन दियोल को देखो यहां पर 8-22 बाकी 10 मैच पे 28 का इनका एवरेज है। बाकी फॉब लेचफील्ड की अगर मैं बात करूं तो 7-5 बाकी 2 मैच खेल चुकी है इस सीजन पे, 7 का इनका एवरेज है, चल नहीं रही है बट प्लेयर अच्छी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर में से अच्छी प्लेयर है, मतलब चांसेस मुझसे प्रैक्टिकली अगर पूछोगे तो, क्योंकि हरलीन दियोल ठीक है और फॉब लेचफील्ड ठीक है, ये दोनों दोस्तों आप लोगों के लो मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है ना, तो इनमें से एक के चलने के चांसेस अच्छे लग रहे हैं मुझे, सीरियसली नोट पे, क्यों, क्योंकि ओपन और फर्स्ट डाउन में से एक चल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। वेदा कृष्णमूर्ति बाकी 0-9 बाकी 2 मैच में 9 का ही इनका एवरेज है। एशले गार्डनर ये शानदार प्लेयर है दोस्तों।
पहले मैच में 15 रन बाकी कुछ नहीं किया, दूसरे मैच में 7 रन बाकी एक ही विकेट निकाले, ओवरऑल 10 मैच में 29 का इनका एवरेज है और 11 विकेट है, अभी तक अपने पोटेंशियल पे आई नहीं है, जिस भी मैच पे आएगी एज अ कैप्टन ही आएगी। रिस्क टेकर्स, थोड़ा सा लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर एज अ कैप्टन देख रहे हो, मतलब एज अ कैप्टन जिन्हें सेलेक्ट किया है, वैसे तो हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है बट पोटेंशियल एक अच्छी कैप्टनशिप रहती है इनके पास, ध्यान रखिएगा इन्हें कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। दयालन हेमलता 3-31 बाकी 10 मैच में 30 का इनका एवरेज है। बाकी कैथरीन ब्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 25 रन 1 विकेट बाकी लास्ट मैच पे 3 रन और 0 विकेट, फ्लॉप रही थी कैथरीन ब्राइस, इस बात को ध्यान रखिएगा, हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर लास्ट मैच में जो फ्लॉप होकर आ रही है, बाकी 2 मैच में 25 का एवरेज है, 1 विकेट है इनके पास। स्नेह राणा लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर, 12 रन बनाए थे 0 विकेट थे, अगर एक विकेट निकाल देती है क्योंकि बॉलिंग तो कर ही रही है, और मान लो 15 रन भी कर देती है एक विकेट भी निकाल देगी, परफेक्ट प्लेइंग 11 पे घुस जाएगी। 10 मैच में 6 विकेट है, 8 का इनका एवरेज है, ध्यान रखिएगा इन पे। तनुजा कन्वर 2 विकेट 1 विकेट बाकी 10 मैच में 8 विकेट है इनके पास। ली ताहू 1 विकेट 0 विकेट 2 मैच में 1 ही विकेट है, ये भी बहुत हाई पोटेंशियल प्लेयर है ली ताहू, मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे दिखेगी आप लोगों को। मेघना सिंह की अगर मैं बात करूं तो 0 विकेट 0 विकेट बाकी 2 मैच में अभी तक विकेटलेस ही रही है। अब दोस्तों इन प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी वॉरियर्स के टीम पे एलिसा हेली को अगर देखोगे तो 2 मैच खेला इन्होंने हेड टू हेड, सिर्फ 9 का एवरेज है और 12 इनका हाई स्कोर है और ये एक हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है, बाकी वेन्यू पे 3 मैच में अभी तक 33 ही इनका हाई स्कोर रहा है। किरण नवगिरी 2 मैच में 28 का एवरेज है जिसमें कि 1 मैच में 53 रन है, ठीक है, तो बाकी दूसरे मैच पे कितने 3 ही रन रहे होंगे, बाकी 3 मैच पे वेन्यू पे 21 का इनका एवरेज है, 57 हाई स्कोर है। तालिया मैग्राथ 2 मैच पे 28 का इनका एवरेज है, 1 विकेट है, बाकी 3 मैच पे 11 का एवरेज और 1 विकेट है, वेन्यू पे अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है। ग्रेस हैरिस 2 मैच बाकी 131 का एवरेज और 72 इनका हाई स्कोर है, ठीक है ना, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्रेस हैरिस लगातार चल रही है, क्लियर, और उसे ड्रॉप किया जा सकता है ये मैं सोच रहा था, बट इस रिकॉर्ड को देखने के बाद थोड़ा सा ड्रॉप करना रिस्की लग रहा है, क्यों मालूम है, क्योंकि 72 हाई स्कोर है और दूसरे मैच में भी इन्होंने 50 प्लस किया हुआ है, मतलब हेड टू हेड ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, तो थोड़ा सा अब डाउट है कि ड्रॉप करे कि ना करे, क्लियर, अब ड्रॉप करना रिस्की सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकली। बाकी वेन्यू पे 3 मैच खेला है, 26 का एवरेज और 38 हाई स्कोर है। दीप्ति शर्मा मैं ड्रॉप नहीं करूंगा ग्रेस हैरिस को, ठीक है, बता देता हूं आप लोगों को, दीप्ति शर्मा 2 मैच पे 8 का एवरेज है, 2 विकेट है, बाकी वेन्यू पे 3 मैच खेला है, 15 का एवरेज और 2 विकेट है। वृंदा दिनेश हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाकी वेन्यू पे 3 मैच 9 का एवरेज और 18 हाई स्कोर। श्वेता शरावत 1 मैच 5 का एवरेज, बाकी वेन्यू पे 3 मैच 37 का एवरेज, 45 बेस्ट स्कोर है। पूनम खेमनार हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे 3 मैच खेल चुकी है, 12 का एवरेज है और 0 विकेट है। सोफिया एग्लिस्टन 2 मैच में 3 विकेट है, बाकी वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट है। अंजलि सरवनी 2 मैच में 2 विकेट निकाल चुकी है, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है। राजेश्वरी गायकवाड़ 2 मैच में 2 विकेट है, हेड टू हेड, बाकी वेन्यू पे 3 मैच पे 3 विकेट्स हैं इनके पास। अब देखते हैं दोस्तों गुजरात जायंट्स के वुमेन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बैट मुनी कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, बाकी वेन्यू पे 2 मैच में 24 का इनका एवरेज है। हरलीन दयाल 2 मैच में 25 का एवरेज है, 46 बेस्ट स्कोर है, बाकी वेन्यू पे 2 मैच में 15 का एवरेज चल रहा है। फोब लिचफील्ड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाकी वेन्यू पे 2 मैच में अभी 7 का ही एवरेज है, बट प्लेयर इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, मतलब इन दोनों को एक को इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्लियर। वेदा कृष्णमूर्ति हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे 2 मैच में 9 का एवरेज है। एशले गार्डनर 2 मैच में 42 का एवरेज है, 1 विकेट है, इसीलिए मैं बोल रहा था ना कैप्टन की भी कंटेंडर बनती है, क्योंकि अगर 42 रन बना देती है और 1 या 2 विकेट ले लेती है इस मैच पे तो दोबारा से एक अच्छी कंटेंडर बनेगी, बाकी वेन्यू पे 2 मैच खेले, 15 का एवरेज और 1 विकेट है। दयालन हेमलता 2 मैच 78 का एवरेज, 57 हाई स्कोर, बाकी वेन्यू पे 2 मैच 30 का एवरेज और 31 का हाईएस्ट,
दयालन हेमलेता, अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि आप लोगों को लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे मिल रहा है। कैथरीन ब्राइस, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाकी वेन्यू पे दो मैच 25 का एवरेज और एक विकेट है। स्नेह राणा, दो मैच 9 का एवरेज एक विकेट, दो मैच 12 का एवरेज विकेटलेस। स्नेह राणा लो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट प्लेयर, पंट प्लेयर जो कि गेम चेंज कर सकता है। तनुजा गनवर, दो मैच एक विकेट, बाकी दो मैच तीन विकेट, वेन्यू परफॉर्मेंस अच्छा है। ली ताहू, हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे दो मैच पे एक विकेट है। मेघना सिंह, हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे दो मैच पे अभी तक फिलहाल विकेटलेस गई है। अब दोस्तों देख लो कौन सा बॉलर कितने ओवर करने वाला है और किस किस सीक्वेंस पे ओवर डालेंगे। यहां देखो ग्रेस हैरिस, मैंने बोला था बॉलिंग करेगी, अपने पूरे चार ओवर डालेगी, दूसरा चौथा आठवां और बारहवां, लास्ट मैच पे एक विकेट था इनके पास। दीप्ति शर्मा अपने पूरे चार ओवर डालेगी, छठा दसवां चौदहवां अठारहवां, लास्ट मैच पे एक विकेट था इनके पास। सोफिया एग्लिस्टिन चार ओवर डालेगी, तीसरा सातवां तेरहवां उन्नीसवां, एक विकेट था इनके पास लास्ट मैच पे। अंजलि सरवनी चार ओवर डालेगी, एक पांच सोलह बीस, एक विकेट इनके पास था। डेप पे आप लोगों को सोफिया एग्लिस्टिन और अंजलि सरवनी बॉलिंग करते हुए दिखती है, ध्यान रखिएगा। राजेश्वरी गायकोड चार ओवर डालेगी, सात ग्यारह पंद्रह सत्रह, बाकी एक विकेट था, सभी को एक विकेट मिले थे, इन सभी को एक विकेट मिले थे और सभी ने चार चार ओवर डाले थे। मतलब कि इन लोगों में क्या है ना, ज्यादा बॉलर्स के ऑप्शन नहीं है, मतलब जो कोर बॉलर्स है ना उन्हीं कोर बॉलर से टीम बॉलिंग करा रही है यूपी वॉरियर्स के टीम पर। बट वहीं अगर आप लोग देखोगे गुजरात जायंट्स पे, तो लास्ट मैच तो जल्दी हार गई थी तो ज्यादा मौका नहीं मिला था। एशले गार्डनर ने तब भी तीन ओवर करे थे, चौथा छठा और दसवां एक विकेट इन्हें मिला था। कैथरीन ब्राइस विकेटलेस गई थी, दो ओवर डाले थे इन्होंने, दूसरा और पांचवा। स्नेह राणा ने दो ओवर डाले थे, आठवां और तेरहवा। तनुजा कनवर ने दो ओवर डाले थे, नौवा और ग्यारहवा, एक विकेट इन्हें मिला था। ली ताहू ने दो ओवर डाले थे, एक और सात, विकेटलेस गई थी। मेघना सिंह ने दो ओवर डाले थे, तीन और बारह, विकेटलेस गई थी। अब एशले गार्डनर अपने पूरे चार ओवर कराएगी, कैथरीन ब्राइस अपने पूरे चार ओवर कराती है, ली ताहू अपने पूरे चार ओवर कराती है, ये तो कोर है जो चार ओवर कराएंगे ही कराएंगे। तनुजा कनवर भी अपने पूरे चार ओवर कर लेगी, बाकी स्नेह राणा और मेघना सिंह के बीच में ओवर शेयर किया जा सकता है, मतलब इन तीनों के बीच में शेयर किया जा सकता है, उस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स भी देख लो जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं टीम में प्लेयर को इन आउट करने के लिए, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए। अगर यहां देखोगे तो ली ताहू को देखो, ली ताहू ने 56 बॉल पे चार बार आउट कर रखा है किसे, एशले गार्डनर को। ग्रेस हैरिस को भी ली ताहू ने दो बार आउट कर रखा है, देख रहे हो, और तालिया मैग्राथ को भी 21 बॉल पे तीन बार आउट कर चुका है। तो ली ताहू क्या होने वाली है, गेम चेंजर होने वाली है इस मैच में, क्यों, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट बैट्समैन एलिसा हेली, ग्रेस हैरिस, तालिया मैग्राथ, तीनों हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को एक मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर परेशान करता है। मतलब अगर आपके टीम पे मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर में से ली ताहू है तो आप लोग इजिली हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर में से एक प्लेयर को सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, क्लियर। बाकी एज सच कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स नहीं दिख रहे हैं। बाकी यहां पर देखो बैट मुनी को देखोगे तो काफी परेशान किया है, सोफिया एग्लिस्टिन दो बार आउट कर चुकी है, दीप्ति शर्मा पांच बार आउट कर चुकी है, तालिया मैग्राथ दो बार आउट कर चुकी है, राजेश्वरी गायकवाड़ भी दो बार आउट कर चुकी है, ध्यान दीजिएगा बैक मुनी पे। बाकी सोफिया एग्लिस्टन ने एशले गार्डनर और कृष्णामूर्ति दोनों को आउट किया है, दीप्ति शर्मा ने तीन बार एशले गार्डनर को परेशान किया है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट मैचअप्स नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मैच मुझे यहां पर यही लग रहा है ली ताहू और एलिसा हैरिस, ग्रेस हैरिस और तालिया मैग्राथ के बीच में जो मैचअप रहने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग मैचअप होगा ये देखने। यहीं पे गेम चेंजर प्लेयर मिलेंगे जहां पर हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर आउट होंगे जल्दी और लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर इनके विकेट्स लेकर जाएगा। बाकी अभी के टाइम पे जो टीम है उसे देख लीजिए, एलिसा एली और बैट मुनी है मेरे पास, बाकी ग्रेस हैरिस है, दीप्ति शर्मा, तालिया मैग्राथ, ब्राइस और एशले गार्डनर है, बाकी सोफिया एग्लिस्टन, राजेश्वरी गायकवाड, ली ताहू और तनुजा कनवर है मेरे पास। बाकी कैप्टन मैंने एशले गार्डनर को रखा है अभी के टाइम पे और वाइस कैप्टन मेरी तालिया मैग्राथ रहने वाली है इस मैच पे। बाकी एक दो चेंजेस मैं कर सकता हूं, जैसे यहां से मैं और राजेश्वरी गायकवाड़ और तनुजा कनवर में से सिर्फ एक प्लेयर ही लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूं ये चेंज हो जाएगा, और यहां पर हरलीन डियोन और फॉब लिचफील्ड, इन दोनों में से मैं एक को लेकर आऊंगा,
किसे लेकर आऊंगा ये मुझे भी नहीं पता है, जो टीम देखते हैं कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग करती है उस हिसाब से ये चेंज करूंगा। इन दोनों में से एक ड्रॉप होगा और यहां पर एक प्लेयर आएगा अभी के टाइम पर। कैप्टन दोस्तों मेरी एशले गार्डनर ही रहेगी इस मैच में, और वाइस कैप्टन मैं तालिया मैग्राथ को ही लेकर आने वाला हूं इस मैच पर। क्लियर, बस एक ये चेंज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है ये डिसाइड करेंगे टॉस के बाद और कौन से पिच पे ये मैच होने वाला है उसके बाद। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, तो आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।